अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपको डिजाइन वाली बाजू बताएंगे। इसके लिए हमने ये बाजू कट की है। बाजू की लंबाई हमने 14 इंच ली है। आप बाजू की लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम बाजू को चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। ये खुले की साइड है और ये बंद की साइड है, यानी ये सेंटर है। यहाँ पे हम 1/2 इंच चौड़ाई का मार्क करेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेंगे। ऊपर साइड में थोड़ी सी गोलाई देंगे। अब इस लाइन को कट करेंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी कट कर लेंगे। ये हमने तिरछे कपड़े में पट्टी कट की है। इस पट्टी से हम यहाँ डिजाइन बनाएंगे और पाइपिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम थ्रेड पाइपिंग बनाएंगे। थ्रेड को हम इस पट्टी के ऊपर रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे। बिल्कुल यहाँ थ्रेड के किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये हमने थ्रेड पाइपिंग बना ली है और ये डोरी भी बना ली है। इस डोरी के हम 4-4 इंच के पीस करेंगे। ये हमने डोरी के पीस कट कर लिए हैं। अब हम बाजू में डिजाइन बनाएंगे। ये आगे का आर्म होल है, ये पीछे का आर्म होल है। आगे के आर्म होल में हम ये डोरी की लुप्पी बना के लगाएंगे। इसके लिए हम आगे के आर्म होल की साइड में 2-2 इंच पे मार्क कर लेंगे। जहाँ हमने ये मार्क किए हैं वहाँ हम ये डोरी के पीस को फोल्ड करके लगाएंगे। ये बंद की साइड हम बाहर साइड में रखेंगे और ये खुले की साइड को अंदर साइड में रखेंगे। जहाँ पे हमने ये कट का मार्क किया है वहाँ पे हम ये थ्रेड पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को हम बाहर की साइड रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम बिल्कुल धागे के किनारे से लगाएंगे। ये बड़ी हुई डोरी को कट कर देंगे, पाइपिंग के बराबर कर लेंगे और यहाँ गोलाई में कट का मार्क करेंगे। अब हम पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करके और ये कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये बाजू का नीचे का साइड है, इसमें हम इस पट्टी से पाइपिंग बनाएंगे। पट्टी को नीचे रखेंगे और बाजू को ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को ऊपर की साइड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये लुप्पी के सामने में दूसरे साइड में हम मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने ये मार्क किए हैं वहाँ पे हम ये बटन लगाएंगे। ये बटन हमने पुराने बटन से बनाए हैं। अगर आप इन बटन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड में बटन का वीडियो देख सकते हैं। ये एक बटन हमने लगा ली है। अब हम दूसरी बटन लगाएंगे। सुई को नीचे से लगाएंगे इस तरह से और ऊपर खींच लेंगे। अब हम बटन में से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे। इसी तरह हम गोलाई में थोड़ा सा बाजू में से कपड़ा लेंगे और थोड़ा सा बटन में से लेके पूरे राउंड में सिलाई करेंगे। यह हमारी बटन लग गई है।
अब हम धागे को नीचे साइड में तोड़ देंगे। यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे। ये हमारी बाजू की डिजाइन बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आई है तो नीचे कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।